इसराइल और हमास में छिड़ी जंग के बाद से ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन फिर एक्टिव हो गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में इन आतंकी संगठनों ने इसराइल की नाक में दम कर दिया है। गाजा में हमास लड़ाकों से लड़ रही इजरायली सेना को इराक के प्रतिरोध गुटों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान की छत्रछाया में फले फूले ये संगठन अब कठपुतली की तरह ईरान के इशारों पर नाच रहे हैं। ये संगठन इसराइल पर हमलावर है। इराक के आतंकी संगठनों की बढ़ती सक्रियता ने इजरायली बलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने सीरिया के इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला करने का दावा किया है। प्रतिरोध ने बताया कि उसने ड्रोन से लक्ष्य पर हमला किया। इतना ही नहीं, ईरानी प्रतिरोध ने दुश्मन के गढ़ों में हमला जारी रखने की कसम खाई है। साथ ही दावा किया कि लड़ाकों ने इजरायली कब्जे का विरोध करने, गाजा में लोगों का समर्थन में और फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहारों के जवाब में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा संगठन ने बताया कि युद्ध के लिए अमेरिका के लगातार समर्थन के विरोध में इराकी आतंकवाद विरोधी ताकतें अरब देश और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही हैं। इराक के आतंकी समूह के लड़ाकों ने आतंकवाद विरोध पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के गठबंधन वाले सैन्य अड्डे पर हमले का जबरदस्त पलटवार किया। इजरायली कब्जे वाले इलाके के रणनीतिक लक्ष्य के खिलाफ ड्रोन हमला करने का भी दावा किया गया। शनिवार को लाल सागर के उत्तरी सिरे पर इलियट बंदरगाह में महत्वपूर्ण स्थल पर हमले की जिम्मेदारी ली। दावा किया गया कि ड्रोन हमला कब्जे वाले इजरायली शासन के खिलाफ प्रतिरोध में किया गया था। बताया गया कि हमला इराकी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और हशद अल शाबी शिविरों पर हमले के जवाब में भी हुआ। इससे पहले इराक के मध्य प्रांत बेबीलोन में हशद अल शाबी लड़ाकों के सैन्य अड्डे पर हवाई हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 8 लोग बुरी तरह घायल बताए गए। लेबनान के अरबी भाषा के अल मयादीन न्यूज चैनल ने दावा किया कि हवाई हमले ने रात भर बगदाद के दक्षिण में कैसलो सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। साथ ही बेस के मुख्य एंट्री पॉइंट और हशद अल शाबी से जुड़े कार्यालय को निशाना बनाया। दावा है कि हमला मानव रहित हवाई वाहनों से अंजाम पहुंचाया गया। आतंकी संगठन हशद अल शाबी ने पुष्टि की कि उसके सैन्य अड्डे के परिसर पर हमला किया गया है। आंतरिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट से उपकरण, हथियार और वाहन प्रभावित हुए। विस्फोट के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि इराक में कथित हमले के पीछे उसकी सेनाएं नहीं थी। वहीं दाएश आतंकी समूह से लड़ने के लिए बनी अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने भी बयान जारी कर कहा कि उसने इराक में उन इलाकों पर हमला नहीं किया। अहम बात यह है कि इराकी सैन्य अड्डे पर विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने तब तक अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि इसराइल गाजा में अपना नरसंहार बंद नहीं कर देता। बता दें कि बीते साल अक्टूबर की शुरुआत में इसराइल की ओर से गाजा में नरसंहार युद्ध शुरू करने के बाद से इराक के प्रतिरोधी संगठन इजरायली ठिकानों पर कई हमले कर रहा है।